जय हिंद। चलिए आपको बता दें कि इस टॉपिक से आपको है ना 3 मार्क्स कवर होते हैं, ठीक है। जो टॉपिक है आपको विशेषण, यहाँ से 3 नंबर पूछे जाएंगे। आपको बता दें इसमें परिणाम, इसमें जो आपको परिणाम वाचक होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और सारे भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन देख लीजिए आप 3 मार्क्स जरूर आएंगे आपको। और इसके कितने प्रकार होते हैं यानी भेद होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, आप सारा देखने को मिल जाएगा इसमें। चलिए सर हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए कहते हैं क्या, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं उसे। और एक बात और याद कर लीजिएगा, इसमें परिवेशन भी पूछा जाता है, परिवेशन किसे कहते हैं वो समझ जाइए थोड़ा सा। विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द को परिवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, परिवेशन कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसमें विशेष और एक चीज और जैसे पूछ देगा आपको कि अंत का विशेषण क्या होगा, तो अंत का अंतिम होता है, इस तरह से आपको सारा कुछ बताया जाएगा। पहले रुक जाइए थोड़ा देर, सबर कीजिए, है ना, सबर का फल मीठा होता है ना, देख लो, ठीक है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है समझो, जिस संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, गुण, दशा, रंग और तब स्वभाव का बोध होता है उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी जय में गुण से गुण हो, गुण से, यानी गुणवाचक विशेषण में गुण, दशा, रंग एवं स्वभाव का बोध होता है, है ना। जैसे यह लाल गाय मेरी है, यह लाल गाय मेरी है, क्या है, यह लाल गाय मेरी है। इसमें गुण क्या है भाई, गुण है कि रंग है कि स्वभाव है कि भेद क्या है, तो गुणवाचक में आएगा, क्योंकि इसमें रंग है, यह लाल गाय मेरी है। लाल क्या है उसका, एक उसका रंग है ना। अच्छी लड़की में क्या होगा, अच्छी लड़की में क्या, आपको पूछेगा कि अच्छी लड़की क्या है, अच्छी लड़की में क्या विशेषण होगा, तो आप कहिएगा गुणवाचक है। कौन विशेषण है, गुणवाचक के परिणाम है कि संख्या की सामने क्या है, तो कहिएगा गुणवाचक। क्यों, क्योंकि अच्छी क्या है उसका, अच्छा क्या उसका, गुण है। काली गाय क्या है इसका, रंग है। भूखा आदमी क्या है इसका, इसमें क्या हो जाएगा विशेषण इसका, भूखा। भला आदमी में क्या होगा, भला। बुरा लड़का में क्या होगा, बुरा। समझा आपको, एक्स्ट्रा जितना लीजिएगा उतना हो सकता है आपको। अगला टॉपिक होता है परिणामवाचक विशेषण। देखिए इसमें क्या होता है, जिस विशेषण से माप यानी मापने या तोलने का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जना समझते हैं बात को, कहते हैं मेरे पास थोड़ा सा अनाज है, मेरे पास थोड़ा सा अनाज है। इसमें थोड़ा क्या है, परिणाम है भाई, थोड़ा क्या है, परिणाम है। यानी केकरो हम 4 लीटर दूध था और 3 लीटर नाप दिए हैं, तो कितने बचा, 1 लीटर, और 1 लीटर में से भी कुछ दे दिए, तो आप कहेंगे हम थोड़ा सा, मेरे पास क्या है, दूध है। तो थोड़ा सा अनाज है, थोड़ा सा दूध है, क्या हुआ, ये हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। इसमें हिंट क्या होगा, इसमें हिंट था अच्छी लड़की, ये सब देखने को मिले, आंख बंद करके गुणवाचक मार दीजिएगा। इसमें हिंट क्या रहेगा, अगर कहीं पर आपको थोड़ा पानी देखने को मिल जाए या थोड़ा मिल जाए तब बुझाइएगा परिणामवाचक है, कुछ मिल जाए परिणामवाचक है, सारा मिल जाए परिणामवाचक है, शेर भर दूध मिल जाए परिणामवाचक है, कुछ लोग मिल जाए परिणामवाचक है, आधा लीटर दूध मिल जाए परिणामवाचक है। यानी आधा शेर पाव है ना, थोड़ा बहुत, ये सब क्या है, परिणामवाचक में आते हैं। अगर देखिए टॉपिक, 2 टॉपिक हो गया, तीसरा संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे घर में 8 लड़के पढ़ते हैं, इसमें संख्या क्या होगा, 8 गो लड़का पढ़ता है यानी 8 गो छोरा पढ़ता है, छिछोरा। तो मेरे घर में 8 लड़के पढ़ते हैं यानी 8 गो लड़का, 8 क्या है, संख्या भाई, नंबर है। मेरे घर में 5 लड़के, 5 इसमें क्या है, संख्या है। 5 लड़कियां, 5 क्या है, संख्या है। 10 घोड़े, 10 क्या है, संख्या है। चौथा लड़का क्या है इसमें, संख्या है। आपको हिंट के रूप में दिया गया है, अगर कहीं पर 8 लड़के मिल जाए, 5 लड़कियां मिल जाए, 10 मिल जाए, तो आप ये मार सकते हैं, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बैंक का जो है, आप क्वेश्चन बैंक का जो है पीडीएफ पेपर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला कहता है सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। जो कहता है क्या, यह लड़का बहुत गोरा है, यह लड़का बहुत गोरा है। लड़का क्या है, संज्ञा है, उससे पहले क्या लगा है, यह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्या हो गया जी, सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह लड़का बदमाश है, यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। उस वजह से इसमें हिंट में दिए हैं, वह लड़की आ गई, उसमें लड़की के पहले क्या है, वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। कोई लड़का आया है, कोई इसमें क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। कहते हैं कौन लड़का सुंदर है, कौन इसमें क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। इस तरह से आपको कोई, कौन,
ये सब देखने को मिल जाएगा, तो समझ जाइएगा समानार्थी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम विशेषण, यानी विशेषण जो विशेषण कैसे बनता है। आपको दे देगा अंत और कहेगा अंत का विशेषण क्या होगा, है ना, दिमाग घूम जाएगा आपका अगर इस तरह से नहीं पढ़ के जाइएगा तो। अंत का विशेषण गुरु जी अंतिम होगा, क्या होगा, अगर रहेगा अंत तो क्या बनेगा उसका, अंत से अंतिम बनेगा। कहेगा अपराध तो अपराध से क्या बनाइएगा, अपराधी बनाइएगा। कहेगा इनाम तो इनाम से क्या बनेगा, इनामी बनेगा। आपको बता दें कि 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसमें एड कर दिए गए, विशेषण वाला सारी चीज एड कर दिए, यही से कवर हो जाएगा आपका सारा क्वेश्चन। ठीक है, इनाम कहेगा तो इनामी हो जाएगा, ग्राम कहेगा तो ग्रामीण हो जाएगा, तंत्र कहेगा तो तांत्रिक हो जाएगा, दया कहेगा तो दयालु हो जाएगा, कलंक कहेगा तो कलंकित हो जाएगा, रुचि कहेगा तो रुचिकर हो जाएगा, उसके बाद उदय कहेगा तो उदित हो जाएगा, राष्ट्र कहेगा तो राष्ट्रीय हो जाएगा, शिव कहेगा तो सैव हो जाएगा, और निज कहेगा तो निजी हो जाएगा। उसके बाद अगर खानदान कहा तो खानदानी हो जाएगा। बस आपको बता दे कि इतना ही टॉपिक से आपको कम से कम 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में 3 मार्क्स कम नहीं होते हैं। आप जानते हैं बोर्ड में अगर किसी बच्चे को 299 आ जाता है तो क्या दिया जाता है आपको, सेकंड डिवीजन कहलाता है, 300 ला के ही फर्स्ट वो कहलाता है। तो 3 नंबर भाई, 3 नंबर भी और 3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको जरूर आप एक बार तैयारी कर लें, हो सके तो इसका नोट तैयार कर लें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट।